तो ये देख सकते हो आप, ये है वो ट्रक। और गाइस इसका ये जो शीशा है ये टूटा हुआ है यहाँ से, क्योंकि ये जो बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 10 साल पुराना ये ट्रक हो चुका है। और ये देख सकते हो आप यहाँ से बच्चों ने इसका जो है ये आगे का ये भी तोड़ा हुआ है, जाली जिसको बोलते हैं, ये पापा ने हाथ से बनाई थी सारा। और ये जो है इसमें ये लाइट्स इसकी जलती थी, आप अंदर की तरफ इसमें बल्ब देख सकते हो, देखिए ये बल्ब दिख रहा है जो, ये भी जलता था और काफ़ी अच्छी चानना ये देता था। और ये भी देखिए बर्फ, ये जो लाइट बहुत अच्छी इसकी देता था। और ये भी डिज़ाइन है, और ये आप देख सकते हो ये नंबर प्लेट जो है यहाँ पर लटका रखी है पापा ने। और बड़ा ही मजबूत ये ट्रक था। और नीचे की तरफ आप ये जो दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा गोल गोल सी चीज़ दिख रही है, ये है यहाँ पर हॉर्न। ये अभी तो सही से नहीं दिखेगी, मैं आपको नीचे से उठा करके भी दिखाऊंगा आपको इसको। तो ये इसका हॉर्न था। और इधर से इसकी खिड़की जो है वो भी खुल जाती है, ये देखिए कितनी जाम हो चुकी है, और ये खिड़की जो है इधर से खुल जाती है। और बाकी यहाँ पे मड़गाड़ पे इस पे पैर रख के आप चढ़ सकता है बंदा, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये सामने की तरफ से इसका जो है ग्लास, ये देखो कितना अच्छा ग्लास, मजबूत ग्लास लगाया हुआ है इसमें, ताकि ये जो है ना टूटे ना। तो और ये सामने इसकी हेडलाइट थी, और बच्चों ने इसके पेंच भी खोले थे, ये देख सकते हो आप, ये पेंच खोल के इसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ था, पापा ने बताया था मेरे को, तो इसमें कुछ लिखा हुआ था, ये जब लाइट जलती थी तो वो भी उसके साथ रिफ्लेक्ट करता था। तो जैसे सामने की तरफ बीच में बल्ब देख रहा हो लगा हुआ है, ये जलता था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये अंदर की तरफ से दिखा देता हूँ, ये देखो अंदर की तरफ से स्टीयरिंग है, जो कि स्टीयरिंग से पहिए हमारे घूमते थे, देख सकते हो। मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ इसको, ये देख सकते हो, जब मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा तो ये पहिया भी अपने आप घूमेगा, देखिए ये देख सकते हो। और इधर की तरफ जब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देख सकते हो ये घूमता है। तो ये पूरा स्टीयरिंग से कंट्रोल होता है पहिए इसके आगे के। और बाकी ये लगाया है गियर बॉक्स है ये, यहाँ पर ये गियर है, ये देख सकते हो, ये इधर हो जाता है। और यहाँ पर ये हॉर्न का था जो कि अब नहीं चलता है। और ये लाइट्स सारे जो लाइट्स से जलती थी, एक लाइट यहाँ पर भी है जो कि बहुत अच्छे चानना इसमें करती थी। और ये देखिए यहाँ पर था हमारा ये बैटरी, ये बैटरी जो था वो यहाँ पर रख रखा हुआ था, देखिए मैं आपको रख के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर बहुत ही फिट आ जाता था। और अभी फिलहाल मैंने इसको यहाँ से निकाले हुआ है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे इसके बाद इसमें ये इधर की तरफ करके ये पेंच भी लग जाते थे, ये पेंच इस तरीके से इसमें लग जाते थे, देख सकते हो ये पूरा सेट आ जाता था यहाँ पर। उसके बाद एक पेंच ये है और एक ये लगने के बाद, तो यहाँ पर ये चार्ज भी होता था, चलता भी था, और बहुत अच्छा जो है ट्रक था। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट टॉय था, अगर किसी बच्चे को लेना है, या फिर हमारे घर का भी बहुत अच्छा टॉय था। इसके अंदर एक बच्चा आराम से बैठ भी जाता था, और यहाँ से स्टैंड पकड़े कंट्रोल भी कर सकता था उसको, और ये चलता था तब तो बहुत अच्छा जो है सही, बहुत बढ़िया था, बच्चा आराम से बैठ कर इस पर चलाता था। और देख सकते हो मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी इसमें, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। नीचे की तरफ अगर मैं आप देखते हैं तो इसको मैं पलटता हूँ, जैसे अब मैं इसको पलट के आपको दिखाऊंगा, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये पाइप जो है साइलेंसर का पाइप जैसे लगता है, बाहर से ऐसा दिखना चाहिए कि जब साइलेंसर है तो इस जैसे पाइप लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये टंकी दिखाने के लिए, टंकी जो है यहाँ पर जो पेट्रोल की डीजल की टंकी होती है वो है, और ये अपनी वही है वो शायद नंबर प्लेट, नहीं नंबर प्लेट तो है नहीं, ये शायद पीछे का जो मड़गाड़ होता है ना जो वो पहिए के पीछे लगाते हैं जिससे वो भरे ना, मतलब ख़राब ना हो, तो इस वजह से ये लगाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी लगाया हुआ है और नीचे भी लगाया हुआ है और ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। ये सारी देखिए फिटिंग कर रखी है लाइट की, पीछे भी यहाँ पर भी लाइट है, ये जो लाइट लगी हुई है, और एक लाइट ये है पीछे से, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वह देख सकते हो ये कमानी है। देखो मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो है शोकर लगे हैं उसमें कमानी लगे हैं, तो ये कमानी का काम करते हैं, देखिए काफ़ी लगभग, देखो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ तो कितना ये घूम जाता है। देखो ये अगर कोई किसी गड्ढे में एक पहिया गिर जाता है तो ये सारे के सारे जो है बैलेंस रहते हैं, बाकी एक पहिया जो है गिरा रहता है,
और देखिए ये जो है नीचे भी ऐसे ही है और आगे की तरफ भी जो उन्होंने देखिए ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये आगे की तरफ भी इन्होंने कमानी लगाई हुई है जो कि एक पहिया जो है एक पहिया देखो मैं एक को हिला रहा हूँ ऊपर नीचे दूसरा हिल नहीं रहा है और ये एक हिल रहा है देखिए ठीक है ये बैलेंस रहता है इससे। तो ये यहाँ पर हॉर्न लगा हुआ है ये बहुत तेज़ हॉर्न बजता था जैसे अपने ट्रक का बजता है इसको ऐसे डिज़ाइन करवाया था और ये अब देख सकते हो मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये पीछे से भी जो है अपनी ये लाइट्स लगी हैं देखो हैवी लाइट्स लगी थी ये इसमें लगाई हुई है इसका कनेक्शन पीछे से हो रहा है और यहाँ से देखिए ये यहाँ से इसका डाला खोल दिया और ये यहाँ से खुल जाता था तो इसमें आराम से जब कुछ सामान बच्चा रखता था तो आराम से इसके अंदर बैठ के आराम से चला लेता था। तो काफ़ी जो है टाइम गुजर चुका है और फिर भी अभी तक इसकी कंडीशन अच्छी की अच्छी है। अभी बैटरी ख़राब हुई है और सिस्टम ख़राब हो चुका है पानी वगैरह लगने की वजह से जैसे पानी लग जाता है और बाकी और सब कुछ ठीक है। अगर आप बिना बैटरी के भी इसे चलाना चाहो तो आप भी इसको चला सकते हो इतना मज़बूत ये है। और अभी ये नंबर जो है ये नंबर गलत है इस पर आप कॉल मत करना ठीक है ना। नंबर जो है मैं आपको लास्ट में दे दूँगा उस पर आप कॉल कर लेना ठीक है ना। जो भी नंबर आ रहा है जो स्क्रीन पर नंबर आएगा उस पर आप कॉल कर सकते हो उसका मालूम कर सकते हो ठीक है ना। और इस अभी तक तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ दिखा दिया है कुछ रहा नहीं है इसमें और बाकी जो कुछ रह चुका होगा वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हो। और आपको अगर लेना है और बनवाना है या फिर कुछ इससे अलग हट के बनवाना है तो अभी भी हम बना सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी और इससे मैं भी खेला हूँ थोड़ा। तो